दोस्तों, अगर आप अपने VI सिम कार्ड के अंदर न्यूज़ देखना चाहते हैं, कोई भी TV चैनल देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ पूरा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके मोबाइल में जो भी आपका दोस्तों VI का सिम कार्ड है उसके अंदर रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज करने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर आपको VI एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और OTP डाल करके VI ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको अपना VI ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा और ऊपर की तरफ आपको VI एंड मूवी TV का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो नीचे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप कौन सा चैनल देखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर ऊपर सर्च बॉक्स में यहाँ पर क्लिक करके आपको डाल देना है, या फिर आप जो भी शो देखना चाहते हैं, न्यूज़ देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे तो दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अभी इलेक्शन का टाइम है, मैं अभी यहाँ पर न्यूज़ देखना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर न्यूज़ जैसे ही लिखता हूँ यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ वाले सारे चैनल यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आज तक न्यूज़ चैनल प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर न्यूज़ चैनल चलने लगा है, यहाँ पर अभी प्रचार आ रहा है। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से अपने VI सिम कार्ड के अंदर VI ऐप के अंदर जा करके आप अपने मोबाइल के अंदर न्यूज़ को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।